1827 में आज एक दिन महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की नींव रखी थी। इनकी बगावत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह हिल गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत एक कारतूस की वजह से हुई थी। सिपाहियों को 1853 में एनफील्ड बंदूक दी गई थी, जिसमें जानवर की चर्बी से बना कारतूस इस्तेमाल होता था। जब इस बात का पता भारतीय सैनिकों को चला तो मंगल पांडे ने कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इस पर अंग्रेज अफसर ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। पल्टन के सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो पांडे ने उन्हें गोली मार दी और यहीं से गदर की शुरुआत हुई। इस जुर्म के लिए मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। 1900 में आज ही के दिन पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली थी। मेट्रो पेरिस के शहरी इलाकों में चलने वाली तेज रेल सेवा थी। इसकी पहली लाइन का उद्घाटन एक्सपोजिशन यूनिवर्सले नाम के एक विश्व मेले के दौरान हुआ। 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ने तक मेट्रो सेवा का काफी तेजी से विस्तार हुआ। 1930 तक पेरिस शहर के आसपास के इलाकों को भी इससे जोड़ दिया गया। 1945 तक मेट्रो रेलों का जाल पूरे क्षेत्र में बिछाया जा चुका था। इसके बाद से मेट्रो के विस्तार के बजाय ट्रेनों के नेटवर्क को तेज और सुविधाजनक बनाने पर काम होने लगा। 1960 के बाद से मेट्रो को पेरिस में चलने वाली छोटी दूरी की दूसरी ट्रेन सेवा IER के साथ जोड़ने की कोशिश होने लगी। आज भी पेरिस मेट्रो ज्यादातर दूरी जमीन के अंदर तय करती है। पेरिस मेट्रो का नेटवर्क 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा और 300 से भी ज्यादा स्टेशनों वाला है। मॉस्को के बाद यह यूरोप की दूसरी व्यस्त मेट्रो सेवा है। 1965 में आज एक दिन दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमन री का निधन हुआ था। 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका के हवाई राज्य में निर्वासन के बाद सिंगमन री का निधन हो गया था। 1948 में सिंगमन संसद के 196 से 180 मत हासिल कर दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने थे। 1904 में कोरिया छोड़ने के बाद इन्होंने अपना ज्यादा समय अमेरिका में बिताया था। 1910 में यह कुछ समय के लिए कोरिया गए थे जब वहां जापान का शासन था, लेकिन नए नेतृत्व के साथ झगड़े के बाद इन्होंने देश छोड़ दिया और निर्वासन में ही एक कोरियाई सरकार का नेतृत्व करते रहे। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार और कोरिया पर अमेरिकी और रूसी फौज के कब्जे के बाद सिंगमन री स्वदेश लौटे थे। 1948 में देश का विभाजन हुआ और सिंगमन री दक्षिण कोरिया के मुख्य कम्युनिस्ट विरोधी राजनेता के रूप में जाने गए। और आज एक दिन 1997 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 3 सालों में दूसरी बार युद्ध विराम की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद रिपब्लिकन राजनीतिक दल सिन फेन ने भी IRA के युद्ध विराम का समर्थन किया। उत्तरी आयरलैंड के मंत्री मो मावलैंड को अगले 6 हफ्ते तक IRA की गतिविधियों पर नजर रखनी थी, जिसके बाद यह फैसला होना था कि सिन फेन को सर्वदलीय वार्ता में शामिल करना है या नहीं। सिन फेन के अध्यक्ष जेरी एडम्स ने कहा था कि ब्रिटेन और आयरिश गणराज्य की सरकारों की ओर से शांति वार्ता में सभी पक्षों को शामिल करने की प्रतिबद्धता की वजह से ही वो युद्ध विराम का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने नई सरकार के प्रमुख के रूप में बेलफास्ट में दिए भाषण में अपना संकल्प दोहराया था।